कहीं जा रही इसके घरे से आवत है? नहीं, घरे से आवत है। दीदी जे तो कह रही से बीज उपचार के लिए बताबो कहके हम सारा सामान जोगाड़ करके रखे। हाँ, यह सब सामान जोगाड़ करे कह रही हो। बाल्टी हो, पानी हो, नमक हो, बीजामृत हो, अंडा हो, आलू हो और धान हो और ये सूत्री बोरा हो। एक एकड़ खेती के लिए दीदी कितना कितना सामान जरूरी हो? 6 लीटर पानी, 2 किलो धान और नमक कर मात्रा तो नहीं बता सकब, कहे कि पानी में जब तक नमक घुलता अंडा जब तक ऊपर तक नहीं तैरता तब तक तो नमक कर जरूरी पड़ता। ठीक, तब बना के शुरू करिए। सबसे पहले दीदी एगो बर्तन में 6 लीटर पानी ले भाई। छः लीटर है पानी तो ले लिए दीदी। अब इकर में अंडा के चेक कर भाई। अंडा तो बैठ के लाई दीदी, अंडा सही है। अब इकर में का कर भाई दीदी? अब इकर में नमक घोल भाई। अंडा के यहाँ डाल भाई, फिर देखा थी ऊपर आ है कि नहीं। अंडा नहीं आ है, फिर नमक इकर में लगते और अंडा के इकर में चेक करके देख ले भाई। हाँ दीदी, अखन तो अंडा ऊपर तैरे लागल हो। इकर में और थोड़ा सा नमक लगते है। अठन्नी कर जे आकार रहे लानी वो दिखे चाहिए अंडा में, ती तो थोड़ा सा दिखत है। और थोड़ा सा नमक डाल ले भाई, उकर बादे देख भाई। ये देखी दीदी, अब अठन्नी कर आकार आ ले अंडा। सही में दीदी, अंडा तो अखन ऊपर तैरे लागल हो। दीदी आलू का ले रही? आलू के जब अंडा नहीं रहता, बहुत आदमी ऐसा हथिन कि अंडा के नहीं छूती ना, उकर जगह में हम इन आलू के भी देख के ट्राई करिए। अंडा का मतलब ये तो आलू के भी जांच कर सकी ना। हाँ। अच्छे बीज से ही आप अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए बीज उपचार से पहले अच्छे बीज को अलग करके ही उसका उपचार करें, क्योंकि खराब बीज को उपचारित करके लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बीज को कैसे अलग करके उसको उपचारित करें।